नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार जन्माष्टमी एक ऐसा पावन पर्व है जो कि हर कोई मनाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान के जन्म आज होने के कारण इसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। परंतु शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि कृष्ण भगवान को कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें लड्डू गोपाल भी कहा जाता है। और लड्डू गोपाल की पूजा करते समय आपको यह चीज विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रिय हैं। वो चीजें जन्माष्टमी के दिन आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन पांच चीजों को चढ़ाएंगे तो लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं और मन चाह आपको आशीर्वाद देते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपनी आस्था के अनुसार और भावनाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत कीर्तन आदि भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं से युक्त माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि लड्डू गोपाल प्रसन्न हो तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करके उन्हें शीघ्र प्रसन्न कर सकें, तो आपके जीवन से सारे जुड़े हुए कष्ट जो होते पलक झपकते ही दूर हो सकते हैं और आपकी झोली खुशियों से भर सकती है। तो आपको उनकी पूजा करते समय श्रृंगार और प्रसाद आदि से जुड़ी कुछ ऐसी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसके करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तथा आपके जो कष्ट होंगे वह दूर होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि कृष्ण भगवान की महिमा लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा की लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद हैं और जिनको आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही पूजा करते समय रखना चाहिए। पहला, मुरली। भगवान श्री कृष्ण को मुरली बहुत पसंद है। इसके बगैर आप अगर श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं तो अधूरा माना जाता है। इसलिए सबसे पहला जो नाम आता है वह है मुरली का। और हिंदू मान्यता अनुसार बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान को मुरली बहुत प्रिय है और यही कारण है कि लोग उन्हें मुरलीधर भी कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बरसे तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुरली अवश्य चढ़ानी चाहिए। दूसरा, मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत पसंद है। इसी वजह से आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मुरली की तरह ही मोरपंख को भी चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यता अनुसार यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को मुरली की तरह मोर पंख से भी बहुत ज्यादा लगाव था। इसी कारण से वे हमेशा उसे मुकुट में लगाकर रखा करते थे। मोरपंख को आपने भी देखा होगा कि हमेशा कृष्ण भगवान के मुकुट में लगा होता है। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा को यदि आप सफल बनाना चाहते हैं और लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको मोरपंख और मोरपंख से बना हुआ मुकुट अवश्य भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना चाहिए। तीसरा, शंख। शंख को हिंदू परंपरा अनुसार शुभता का प्रतीक माना गया है और कान्हा जी के जन्मोत्सव में की जाने वाली पूजा में शंख को भी रखा जाता है। इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर शंख का प्रयोग लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए और पूजा के दौरान बजाने के लिए किया जाता है और यह शंख भगवान श्री कृष्ण ने भी धारण किया हुआ है। इसलिए आपको जन्माष्टमी में पूजा के दौरान एक शंख अवश्य रखना चाहिए। चौथा, तुलसी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रसाद में तुलसी का पत्ता भी होना आवश्यक है, यानी बिना तुलसी के आपकी पूजा अधूरी रहेगी। इस दिन आप जो भी प्रसाद बनाते हैं या भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उसमें आपको तुलसी दल जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है। हिंदू मान्यता अनुसार यह भी कहा गया है कि जन्माष्टमी की पूजा में यदि आप तुलसी दल चढ़ाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देते हैं। पांचवा, खीरा। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपको श्री कृष्ण की पूजा में खीरा अवश्य
चढ़ाना चाहिए। हिंदू मान्यता अनुसार यह कहा गया है कि जब किसी शिशु का जन्म लेने के बाद उसकी माँ को उससे अलग किया जाता है तो उसकी गर्भ नाल को काटा जाता है। उसी के प्रतीक के रूप में खीरे की डंठल को काट कर भगवान श्री कृष्ण को उनकी माँ देवकी से अलग किया जाता है। यह हिंदू मान्यता अनुसार बताया गया है। इसीलिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कृष्ण भगवान की पूजा में डंठल वाला खीरा चढ़ाने का महत्व है। आशा करता हूँ आप इसी तरह से पूजा में ये सब पांचों चीजें चढ़ा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे और श्री कृष्ण भगवान को ये बहुत ही चीजें प्रिय हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। यदि आपको ऐसी ही जानकारी जानने की इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण की लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।